कैसे ये आदमी सिर्फ पोछा लगा के 70 लाख रुपए कमाता है? क्यों शाहरुख खान सिर्फ 555 नंबर प्लेट की गाड़ी ही चला सकते हैं? जूस के ऊपर ये झाग क्यों आता है? पानी की बोतल पर ये लाइंस क्यों होती है? जाने के लिए बने रहना वीडियो के एंड तक। नंबर 22, एक बार इस फोटो को देखो। इन दोनों फोटोज में 13 साल का डिफरेंस है। ये लड़की जब बाहर के देश में घूमने गई थी तब इसने इस आदमी के साथ फोटो खिंचवाया था, और उसके करीब 13 साल के बाद जब वो फिर से वहाँ पर गई तो उसे सेम सड़क पर सेम आदमी मिला जिसके साथ उसने फिर से ये फोटो खिंचवाया। नंबर 21, जब भी फ्रूट या वेजिटेबल का जूस निकाला जाता है तो उसके ऊपर ऐसी फोम क्रिएट हो जाती है, तो इसके पीछे रीजन क्या है? दरअसल आज जितने भी फ्रूट और वेजिटेबल के जूस निकाले जाते हैं वो सब ऑटोमेटिक मिक्सर से निकाले जाते हैं। ऐसे में जब जूस निकलता है और मोटर घूमती है तो जूस में बहुत ज्यादा हवा मिक्स हो जाती है, और हवा के कारण ही जूस में फोम क्रिएट होता है, और आपका मिक्सर या जूसर जितना ज्यादा पावरफुल होगा जूस में उतना ही ज्यादा फोम क्रिएट होगा। इसलिए जिस जूस को हाथ से या मोटर वाली मशीन से निकाला जाता है उसमें फोम कम होगा। नंबर 20, चाइना में एक कहावत है जिसके हिसाब से पहले के लोग डॉक्टर को पैसे ठीक होने के बाद ही देते थे। अगर डॉक्टर उस पेशेंट को ठीक नहीं कर पाता था तो उस डॉक्टर को उस पेशेंट को पैसे देने पड़ते थे। जी हाँ, आपने सही सुना, पर आगे जाकर इस रूल को निकाल दिया गया। नंबर 19, 17 साल की उम्र में एलोन मस्क ने एक कंप्यूटर एग्जाम दिया था, पर एग्जाम देने के बाद उन्हें फिर से एक बार एग्जाम देना पड़ा क्योंकि एलोन मस्क का स्कोर इतना ज्यादा हाई था कि एग्जामिनर को यकीन ही नहीं हुआ। उन्हें लगा कि एलोन मस्क ने जरूर कोई चीटिंग की है, जिसके बाद एलोन मस्क को फिर से एग्जाम देना पड़ा और उसमें भी उन्होंने उतने ही कमाल के मार्क्स स्कोर किए थे। नंबर 18, एक आदमी ने बस अपना खिलौना लेने के लिए 42 लाख का लोन ले लिया। डुबलिन में रहने वाले एक आदमी ने 42 लाख का कोविड लोन लिया था जिसमें इंटरेस्ट नहीं लगता, लेकिन आगे जाकर पता चला कि इसे कोविड नहीं था और ये लोन इसने कोविड के लिए नहीं बल्कि इसको पोकेमोन का बहुत पुराना कार्ड खरीदना था जिसके लिए इसने इतने सारे पैसे लोन पर लिए थे। जब पुलिस को पता चला तो उसे जेल में डाल दिया गया। नंबर 17, पानी की बोतल के ऊपर ये लाइंस क्यों होते हैं? आपने भी इन 3D लाइन को नोटिस किया होगा। अगर आपको लगता है कि ये स्टाइल के लिए होते हैं तो आप गलत हैं। ये लाइंस पानी की बोतल को मजबूती देता है क्योंकि जो बोतल होती है वो हार्ड प्लास्टिक से नहीं बनी होती है। अगर बोतल पर ऐसी लाइंस नहीं दी जाएगी तो ये आसानी से मुड़ जाएगी, और इसी के साथ ये खास डिजाइन उनके ब्रांड को बाकी से अलग दिखाता है। इसलिए सारी बोतल पर अलग अलग डिजाइन होती है और बोतल का शेप भी अलग होता है जिससे इसे पकड़ने में आसानी होती है। नंबर 16, आपको ये बात पता होगी, शाहरुख खान 555 नंबर प्लेट को छोड़कर किसी और नंबर प्लेट वाली कार नहीं चलाते हैं। इसलिए चेन्नई एक्सप्रेस मूवी में बाइक के ऊपर 555 नंबर प्लेट नहीं था तो उन्होंने उसके ऊपर नकली नंबर प्लेट चुपकाया। उनकी बाइक, कार, जर्सी हर एक जगह पर 555 नंबर है क्योंकि उनको लगता है कि ये नंबर उनके लिए लकी है। नंबर 15, जब इंसान का जन्म होता है तब उसके पास सिर्फ दो डर होता है, एक तेज आवाज का डर, दूसरा ऊपर से नीचे गिरने का डर। ये ऐसे डर होते हैं जो पैदाइशी होते हैं, पर आगे जाकर हम इस पर काबू पा सकते हैं। पर इन्हें छोड़कर जो हमारे दूसरे डर होते हैं जैसे अंधेरे से, कुत्तों से, भूतों से, ये सारे डर हम खुद डेवलप करते हैं अपने एक्सपीरियंस से। नंबर 14, अगर आप गूगल पर सर्च करोगे thispersondoesnotexist.com तो आप एक ऐसे पेज पर जाओगे जहां आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो कभी एग्जिस्ट भी नहीं करते। आपको यहां पर जो फोटो दिखेगी ये सारी AI द्वारा जनरेटेड की गई है। जैसे कि ये फोटो आपको दिख रही है, ये व्यक्ति इस दुनिया में है ही नहीं, इसे देखकर यकीन नहीं होता, लेकिन पूरी दुनिया में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जो 100% इस तरह का दिखता हो। नंबर 13, जो लोग अपने काम में ज्यादा बिजी रहते हैं वो ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि फ्री बैठने पर हमारा दिमाग नेगेटिव चीजें सोचता है, और आपने भी यह कहावत सुनी होगी, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। नंबर 12, आपने ब्लू व्हेल के बारे में सुना होगा, पर ये देखो, ये है ब्लू व्हेल का हार्ट जिसे प्रिजर्व में रखा गया है, और यह ब्लू व्हेल का नॉर्मल हार्ट है, कई ब्लू व्हेल के हार्ट इससे भी बड़े होते हैं। नंबर 11, चार्लिन चॉकलेट फैक्ट्री मूवी के एक सीन में गिलहरी जो है वो अखरोट को तोड़ रही थी, और इसमें नकली नहीं असली गिलहरी का यूज किया गया था। ये रोबोट या CGI नहीं है बल्कि फिल्म बनाने वालों ने 40 से ज्यादा गिलहरियों को ट्रेन किया था इस सीन को शूट करने के लिए, क्योंकि वो चाहते थे कि इस सीन को जितना ज्यादा हो सके उतना रियलिस्टिक बनाया जा सके। पर कमाल की बात तो ये है कि गिलहरियां अखरोट तोड़ने वाली मशीन से भी ज्यादा फास्ट थी। नंबर 10, जो लोग NBA के कोर्ट क्लीनर होते हैं उनका काम हर मैच के हाफ टाइम में कोर्ट को क्लीन करना होता है। उनकी एक साल की सैलरी 60 लाख रुपए तक होती है, और जो एक्सपीरियंस लोग होते हैं उनको 75 लाख रुपए तक दिए जाते हैं। नंबर 9, ये जो पत्थर है कमाल का है, ये पत्थर हर दिन अपना कलर चेंज करता है और अलग अलग सीजन में ये अलग अलग कलर ले लेता है, और इसे IS ROMS कहा जाता है जो कि ऑस्ट्रेलिया में मौजूद है। नंबर 8,
ये जो सीढ़ियां आपको दिख रही है ये कोई मॉडर्न डिजाइन नहीं है, पर कई पुराने घर में आपको ये स्टेयर दिख जाएंगे। इनको विच स्टेयर कहा जाता है क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जो चुड़ैल होती थी वो नॉर्मल सीढ़ियां तो चढ़ लेती थी पर वो इन स्टेयर्स पर नहीं चढ़ पाती थी क्योंकि उनके पैर उल्टे होते थे। इसलिए लोग अपने घर में इस टाइप की सीढ़ियां बनाने लगे ताकि वो चुड़ैल से बच सके, और आज भी कई लोग ऐसी सीढ़ियां डिजाइन के लिए बनाते हैं। नंबर 7, ये जो लड़की है 13 साल तक एक अंधेरे कमरे में बंद थी। इसका नाम है जेनी। इसके पिता ने इसको एक कमरे में बंद रखा था। ये लड़की अब तक जिंदा कैसे बची है ये भी एक चमत्कार है। इनके पेरेंट्स को एक बीमारी थी जिसकी वजह से वो अपनी बेटी के बारे में बार बार भूल जाते थे। 13 साल के होने के बाद भी ये बोल नहीं पाती थी क्योंकि इसका दिमाग बड़े होने के बाद भी उसकी उम्र से कई गुना छोटा था। बाहर निकलने के बाद कई साल तक वो ना ही सही से चल पाती थी और ना ही काम कर पाती थी क्योंकि वो बहुत ज्यादा वीक थी। नंबर 6, जब लोग मछलियों को पकड़ते हैं तो कभी कभी वो उन्हें सही से नहीं पकड़ पाते हैं और वो कांटा मछली के मुंह में फंसा हुआ होता है। इसलिए क्रिस्टिनो जेनेटो नाम की एक महिला है जिन्होंने इस प्रॉब्लम को समझा और आज तक इन्होंने 300 से भी ज्यादा शार्क के मुंह में से हुक निकाला है और उनको इस दर्द से मुक्त किया है। इसके लिए एक लाइक तो बनता है। नंबर 5, साइकोलॉजी के हिसाब से जो लड़कियां होती है वो सीरियस मामलों को छोड़कर लड़कों से ज्यादा सॉरी बोलती है। वो हर छोटी बात पर सॉरी बोलते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्होंने कुछ गलत किया है और वो हर छोटी बात के लिए सॉरी फील करती है। नंबर 4, आंध्र प्रदेश में एक 10 साल का लड़का अपनी मरी हुई माँ के साथ 4 दिन से रह रहा था। दरअसल सर पर चोट लगने की वजह से इसकी माँ की मौत हो गई थी और इस लड़के को लगा कि उसकी माँ आराम कर रही है। इसके पिता नहीं थे इसलिए लड़का खुद तैयार होता था, स्कूल जाता था और आकर नाश्ता कर लेता था जो उसकी माँ ने स्टोर करके रखा था। जब इसकी माँ के शरीर से स्मेल आने लगी तो उसने अपनी बहन को कॉल किया और वह देखकर चौंक गया कि उसकी माँ 4 दिनों से मरी पड़ी है। नंबर 3, गूगल जो है वो देश को रोकने की कोशिश कर रहा है। गूगल की एक और कंपनी है जिसका नाम है कैलिको और वहाँ ये ऐसे एक्सपेरिमेंट करते हैं जिससे एजिंग बंद हो सकती है और इससे हम कभी मरेंगे नहीं। नंबर 2, दुनिया में बस आइसलैंड ही एक ऐसी जगह है जहाँ पर मच्छर, सांप, यहाँ तक कि छिपकली भी नहीं है। यहाँ पर बस कुछ स्पाइडर की स्पीसीज मिलती है जो इंसानों के लिए बिल्कुल भी खतरनाक नहीं है, और इसका रीजन ये है कि यहाँ पर नॉर्मल टेम्परेचर -1 डिग्री सेल्सियस से लेकर -6 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, इसलिए कोई भी जानवर यहाँ पर सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। नंबर 1, एक इंसान दिन में 14 घंटे जागता है तो देखा जाए तो 14 घंटे में से 10% टाइम इंसान की आंख बंद होती है क्योंकि 14 घंटे में हम 1 घंटे 20 मिनट हमारी आंख ब्लिंक करते हैं। अब अगर आपने वीडियो यहां तक देख ली है तो आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी, तो इसी बात पर इस वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।